वाली वेलकम टू यू टाउन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे न्यू आर्टिस्ट सुनने का बहुत शौक है। Boy. मतलब न्यू आर्टिस्ट ने मुझे फेवरेट लगा, तो वैसे ही मुझे नया नाम आया इसमें, वाली वेलकम टू यू टर्न, मतलब वाली की तरफ से। अब ये यू क्या है, व्हाट स्टैंड फॉर इट, आई डोंट नो, लेकिन नीचे लिखा है सूरत वाले बहुत रवाज बसते, तो ये सूरत के होंगे शायद, नो क्लू। इस सॉन्ग के जो बीट प्रोड्यूसर है वो है मुन्ना बीट, और देखते हैं कि क्या क्रेजी सॉन्ग बनाए हैं, क्योंकि भाई मैं ये फर्स्ट टाइम इन दोनों को सुन रहा हूँ। मुन्ना बीट्स भी मुझे नहीं पता ये कौन है, और वाली इज न्यू टू मी। तो हाँ, बकचोदी कम करते हैं, सीधा गाना सुनते हैं। लीड पहन लीजिए, 3 2 1 Here we go. Welcome to you town. Graphics अच्छे हैं। चिल्लम सूरत के लड़का में रखता नहीं हेट, सूरत क्या है मेरा कीमती में करता नहीं वेट, अपने हक्का में खाता बैठा चिंता नहीं प्लेट, रातों को मैं लिखता मेरी मॉर्निंग होती लेट। सूरत का लड़का मैं रखता नहीं हेड, वक्त मेरा कीमती में करता नहीं वेट, अपने हक्का में खाता बैठा चिंता नहीं प्ले, रात को मैं लिखता मेरी मॉर्निंग होती लेट। सूरत का लड़का मैं रखता नहीं हेड, वक्त मेरा कीमती में करता नहीं वेट। हिट कर मेरे को अगर समझे नहीं बात, चल हट भोसड़ी के, तेरी जिंदगी झट, तेरे खाने वाले आठ इधर कर रहे गेमिंग को मिलना नहीं फेम, चल हट भोसड़ी के बेटा लगना ना आपको, चलता है जोन मेरा इसमें तुम जान दो और थोड़ा ज्ञान लो, खट्टी दिख रही सूरत का लड़का मैं रखता नहीं हेड, वक्त मेरा कीमती में करता नहीं वेट, अपने हक्का में खाता बैठा चिंता नहीं प्ले, रात को मैं लेता मेरी मॉर्निंग। ओके, तो सूरत से भी ये मतलब सूरत की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि सूरत का मैंने कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं देखा जो सूरत से बिलोंग हो या फिर पता हो कि हाँ वो सूरत से हैं। पता नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमसी स्टैन है पुणे से, वैसे ये चक्कर में किया तूने घर, कान खोल बेटा और सुन मेरी बात, मैंने तुझे अपना एक खासों में चुना, हो गई ला मुझसे ये बहुत बड़ा गुना, लोगों ने लिया तेरे हाथ में ये डोल, लगा अब सबको तो चुना, माय मांग खुश चीज किया गुने गुना, एक बात छोड़ मेरी बातों को सुनना, लोग तेरे हेट माला झाटना है फर्क, तुझे आइटम तो खोल जरा बाजू रसल, अरे गांड जली तेरी तो लगा उधर बर, तेरे आइटम को देखे मेरा खड़ा होता दर, माय माला कोना चीज कर नाम मेरा वाली में नोट। भाई ये डिस्ट्रैक्ट है क्या किसी को, लेकिन कुछ भी है यार, आइटम के बारे में तो मत बोलो भाई, उसकी गर्लफ्रेंड मतलब किसी की भी हो, उसका क्या इसका कसूर है भाई। अपने जोन में ना देता सुखा, देख मेरा सॉइक और क्या बुलटी डाली, ये नशे करके आते इनको मार दी थाली, ये खुद का इन देखती है खुद को दे भाई, क्या देना देखो बेटा नाम मेरा वाली, सीधा सूरत से यू टाउन से गली नंबर 1, जिसे मेरे बच्चे घर मेरा वेट, सुन रे चपरी तो हुड़ का खबरी, कट बोलते है उसमें डालता लवली, ब्लर क्यों किया इसका फेस, नंबर मेरे गांव में आके मेरे नाम चाचे टॉक के बोलो किसका ना संग, तेरे साथ वाले नंग मेरे साथ वाले यंग है, साथ वाले यंग है, फिरेगा तो मुझसे तू खाएगा तू फटके, YouTube पे सर्च कर काम अपना हटके, ले मेरा वाइब लगेंगे तेरे को झटके, लुक मेरा कूल रेता में हटके, दुनिया डारी यहां पे पैसा बोलता है, पैसे के बिना यहां पे कुछ नहीं मिलता है, पैसा रहते तब दुनिया पूछती, तू लड़का अच्छा तेरे कपड़े अच्छे, छोड़ बेटा तेरा ये झोल का धंधा, बंदा तो हॉट का छक्का, लड़का तो बोल तेरी गांड पे गुजली, झड़ू झड़ू छोड़ और मत कर चुगली, लगता तू सांप और मैं शेर हूं जंगली, सूरत का लड़का मैं रखता नहीं हेड, वक्त मेरा कीमती में करता नहीं वेट, अपने हक्का में खाता बैठा चिंता नहीं प्लेट, रातों को मैं लिखता मेरी मॉर्निंग होती लेट, सूरत का लड़का मैं रखता नहीं हेड, रखता नहीं हेड, कम फ्रॉम सूरत भाई। हे गैंग मेंबर्स। ओके, सो वीडियो एंड हो चुका है, और ये सच में क्रेजी लेवल का था।
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू टाउन सूरत। तो ये बहुत ही क्रेजी बंदे हैं, इनका मतलब फर्स्ट टाइम सुना और इम्प्रेशन बहुत ही अमेजिंग है। नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा सॉन्ग होगा, एकदम नो अलग वाइब का है, रैप स्टाइल अलग टाइप का होगा। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम यूनिक है, लेकिन है, लिरिक्स काफी अच्छे थे, एकदम वैसे नहीं बोलूंगा कि डीप टचिंग वाले मीनिंग थे, लेकिन ये ऊपर ऊपर से जो किसी को डिस करते हैं या किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं, तो वैसे टाइप का था और बहुत ही अमेजिंग था। इतना भी लिखना इम्पॉसिबल है फॉर मी। तो आर्टिस्ट बहुत ही अमेजिंग है। Let's talk about the Munna beats. भाई beats बहुत ही crazy थे। मुझे ये beats पता किसके लग रहे थे? मुझे लगा कि ये says on the beat बना रहे हैं, क्योंकि उनके beats भी ऐसी powerful होते हैं, तो वैसे ही लग रहा था। He is not new, ये काफी experienced हैं, ये दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका भी वीडियो में आप देख सकते हो। किसी भी आर्टिस्ट को अगर आपको देखना है ना कि वो काफी एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं है, तो उनका वीडियो देखा करो। मतलब उनके जो हाथ चलाने की स्टाइल्स होते हैं, जो यू नो बॉडी मूवमेंट, जो बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, वो अलग ही आती हैं। वो लगता है कि हाँ भाई प्रोफेशनल बंदा है। तो ये दोनों एक्सपीरियंस बंदे हैं। ओवरऑल सॉन्ग वॉज अमेजिंग, फैबुलस। वन वर्ड से बोलूं तो फिर इट्स वॉज आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर मुझे रेटिंग देनी पड़े ना, तो 10 में से मैं 6 के आसपास दूंगा, जिसमें से सबसे ज्यादा तो बीट और म्यूजिक में ही चला जाएगा। बहुत ही क्रेजी थे, अलग लेवल के थे। दैट्स इट, आज की वीडियो बस यहीं पर खत्म होती है। होप यू गाइस एंजॉयड माय रिएक्शन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंजॉय द वीडियो। ओके बाय।